एवरीवन, वेलकम बैक टू किड्स लर्निंग कॉर्नर। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टॉपिक लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है, नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स क्या होती है, आज हम बात करेंगे इन्हीं दो टॉपिक्स पर। ये वीडियो कोई पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं है, सभी क्लासेस में लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स का टॉपिक्स होता है। तो आज हम किसी क्लास को लेकर डिवाइड नहीं, वो नहीं करेंगे कि ये इस क्लास के लिए है, ये सिर्फ ओनली टॉपिक्स हैं जो हर क्लास में बच्चे के काम आते हैं। जो लिविंग थिंग्स होती है, लिविंग का मतलब होता है जो भी चीजें जिंदा है, जीवित है, सांस ले रही है, वो सभी क्या होती है, लिविंग थिंग्स होती है। जो बढ़ती है, ग्रो करती है, वो सभी लिविंग थिंग्स है। लेकिन जो नहीं बढ़ती है, ग्रो नहीं करती है, जो सांस नहीं लेती है, एज इट इज एक जगह जहां रख दो वहां पड़ी रहती है, वो क्या होती है, नॉन लिविंग थिंग्स होती है, जिसमें कि सांस नहीं होता और जो कि ब्रीथ नहीं ले सकती। यहां पर जो पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही है, कुछ लिविंग थिंग्स की है, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स की है। जो आपको सब फर्स्ट में एक बॉय दिख रहा है, ये बॉय क्या कर है, जो सांस ले सकता है, देखिए ब्रीथ करता है, खाना खाता है ना, चल फिर सकता है। तो ये क्या है, ये एक लिविंग थिंग्स है। जो मैन है, पर्सन है, वो क्या है, लिविंग थिंग्स है। फिश जो है, वो यहां पर हम एल लिख लेते हैं लिविंग थिंग्स के लिए। फिश भी ब्रीथ करती है, ईट करती है, देखेंगे आप पानी में तैरती है, चलती है, मूव करती है, बच्चे इसके अंडे देती है, जिससे कि बच्चे होते हैं वो निकलते हैं अंडों से। और फिश जो है ये भी बच्चों को जन्म देती है, बर्थ देती है। तो ये क्या है, ये भी लिविंग थिंग्स है। नेक्स्ट है ट्री। ट्री इज अ लिविंग थिंग्स। आप सोचेंगे कि जो पेड़ है वो लिविंग थिंग्स कैसे है, पेड़ तो चल भी नहीं सकता। जरूरी नहीं है हर लिविंग थिंग्स जो है चीजें एक जगह से मूव करे, क्योंकि जो ट्री है उसकी जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, उसको जरूरत होती है पानी की, मजबूती की। और वो जो स्ट्रोंग कैसे होती है, जब वो मिट्टी के अंदर तक चली जाती है तभी एक ट्री जो है वो स्ट्रोंग बन पाता है, कि जो उसकी जड़ें हैं जब तक एक जगह जमेगी नहीं, तो उसका जो ट्री का जो ऊपर वाला पार्ट कितना बड़ा होता है, कितना हैवी भारी होता है, उसको वो कैसे खड़ा कर पाएंगी। तो इसीलिए जो ट्री है वो मूव नहीं कर सकता, एक ही जगह रहकर अपनी रूट्स को जो है वो अंदर सोइल के अंदर फैला लेता है, जिससे कि ट्री स्ट्रांगली ग्राउंड के ऊपर खड़ा रहे। लेकिन ट्री एक लिविंग थिंग्स है, क्यों, क्योंकि ट्री जो है वो ब्रीथ करता है, उसकी जो लीव्स है वो खाना बनाती है, पेड़ के लिए हमें एयर देता है, तो जो ट्री है वो लिविंग थिंग्स है। नेक्स्ट है माउंटेन्स। माउंटेन्स नॉन लिविंग थिंग्स है, क्योंकि जो माउंटेन्स है ना तो वो ब्रीथ कर सकते हैं, ना वो मूव कर सकते हैं, ना वो खा सकते हैं, एज इट इज जैसा है वो वैसा ही रहेगा। अगर वो कहीं से टूट भी जाएगा तो अपने आप कहीं नहीं जुड़ सकता। देखेंगे अगर कोई पेड़ है उसकी पत्तियां गिर जाती है तो उसमें दोबारा से पत्ती आती है, क्योंकि वो एक लिविंग थिंग्स है, दोबारा से ग्रो कर जाता है। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो ग्रो बिल्कुल भी नहीं करती, अगर आप किसी चीज को तोड़ देंगे तो अपने आप से कभी नहीं जुड़ेगी। नेक्स्ट है काइट। काइट नॉन लिविंग थिंग्स है, बिकॉज काइट जो है वो इंसान ने बनाई है, ये जब हवा के साथ लहराती जरूर है, उड़ती है, लेकिन ये हवा की लहरों के साथ उड़ती है, ना कि अपने आप जाती, ना ये खाती है, ना पीती है, ये ना सांस लेती है। तो ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। बुक। बुक इज अ नॉन लिविंग थिंग्स, क्योंकि जैसे काइट है ऐसे ही बुक्स पेपर से बनी है, या ये भी सांस नहीं लेती, ना ग्रो करती है, एज इट इज जैसी है वहीं की वहीं पड़ी रहेगी, ना चल फिर सकती है, ना खा सकती है। और इससे हम कोई दूसरी चीजें भी नहीं बना सकते, जो पेड़ है उसे काट के हम हाउस बना लेते हैं, फर्नीचर बना लेते हैं, उसका कुछ तो यूज होता है, और ये जो है वो कुछ यूज में नहीं भी नहीं आती। जैसे अगर आपने पेपर टियर कर दिए हैं इसके, तो ये वापस से अपने आप से जुड़ भी नहीं सकती। नेक्स्ट है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई लिविंग थिंग्स है, क्योंकि बटरफ्लाई जो है ईट करती है, मूव करती है, फ्लाई करती है, सांस लेती है, ब्रीथ करती है, तो बटरफ्लाई क्या है, लिविंग थिंग्स है। आइए देखते हैं लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स में क्या क्या होता है। लिविंग थिंग्स ग्रो करती है, यानी कि बढ़ती है, जैसे कि ट्री बढ़ता जाता है, जैसे छोटा सा बच्चा होता है, उसके बाद थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा, और आप देखेंगे कि छोटा सा बच्चा कुछ साल बाद एक पूरा इंसान, बड़ा व्यक्ति बन जाता है, एक आदमी बन जाता है। नेक्स्ट है मूव, चल फिरना। जो लिविंग थिंग्स है वो चल फिर सकती है, ब्रीथ,
सांस ले सकती है, ईट जो लिविंग थिंग्स है वो सभी खाना खाती है, क्योंकि जो खाना है वो हमें एनर्जी देता है हमारे शरीर को ग्रो करने में, बढ़ने में। रिप्रोडक्ट यानी कि जो अपने से दूसरे चीजें अपने जैसे ही प्रोडक्ट करना, पैदा करना। जो लिविंग थिंग्स है वो जैसे आप देखेंगे ट्री है, ट्री के अगर हम सीड्स जो फ्रूट से निकलते हैं उनको उगाएंगे तो दोबारा से ट्री ग्रो कर जाता है। ऐसे ही इंसान जो बच्चे को जन्म देते हैं तो वो भी अपने लिविंग थिंग्स अपने बच्चे पैदा करते हैं। कुछ लिविंग थिंग्स अंडे देते हैं, कुछ के बीज होते हैं, कुछ बच्चे पैदा करते हैं। तो लिविंग थिंग्स क्या करती है, रिप्रोडक्ट करती है। नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, डू नॉट ग्रो। नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं करती है, बढ़ती नहीं है, एज इट इज जैसे आपने की है वैसे की वैसी ही रहेगी। डो नॉट मूव, चल फिर नहीं सकती। डू नॉट ब्रीथ, सांस नहीं ले सकती। एंड डू नॉट रिप्रोडक्ट, यहां पर वो अपने जैसा दूसरा भी नहीं बना सकती। नॉन लिविंग थिंग्स। आइए अब बात करते हैं नेचुरल एंड मैनमेड थिंग्स के बारे में। नेचुरल यानी कि नेचर, नेचुरल चीजें वो होती है जो कुदरत ने हमें दी है, ऑलरेडी गिवन बाय नेचर। जो नेचर हमें देता है, नेचर से हमें डायरेक्ट मिलता है, वो क्या है, नेचुरल थिंग्स होती है। और मैन मेड, मैन यानी कि आदमी, और मेड मतलब बनाना, जो आदमी ने जो चीजें बनाई हैं उनको हम मैन मेड थिंग्स बोलते हैं। मैन मेड किनको बोलते हैं, जो हमने अपने हाथों से जिनकी रचना की है, जिनको हमने अपने हाथों से जिनके को क्रिएट किया है, वो सभी क्या है, मैन मेड थिंग्स। और जो हमें नेचर से मिलती है उस वो होती है नेचुरल थिंग्स। जैसे देखिए सन, सन क्या है, सन एक नेचुरल है, नेचुरल चीज है। नॉन नेचुरल, नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं इसको, क्योंकि ये सांस नहीं लेता, चल फिर नहीं सकता, हमारी अर्थ घूमती है और ये अर्थ के साथ साथ हमें दिखाई देता है, लेकिन ये नेचुरल है क्योंकि ये हमें नेचर से मिला है, हमने किसी ने इसको बनाया नहीं है, ये नेचुरल हमें दिखाई देता है, हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें ये नेचुरली है। नेक्स्ट है काइट, काइट जो है वो मैन मेड थिंग है, क्योंकि काइट जो है हम अपने हाथों से पेपर और स्टिक्स की सहायता से बनाते हैं, ये मैनमेड थिंग्स है। नेक्स्ट है फ्लावर, फ्लावर जो है वो नेचुरल थिंग्स है। आप सोचेंगे कि नेचुरल कैसे है, हमने तो इसको प्लांट को उगाया है, लेकिन आपने जो सिर्फ प्लांट का शीड उगाया है, लेकिन जो ग्रो करना है वो एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू ग्रो करता है। जैसे आपने शीड डाला, उसके बाद प्लांट ग्रो किया, लीव्स निकली, स्टेम निकला, स्टेम के बाद उसकी ब्रांचेस आ गई, ब्रांचेस पे लीव्स आ जाती है, फ्लावर्स आ जाते हैं अपने आप ही, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसलिए जो फ्लावर्स है वो नेचुरल थिंग्स है। नेक्स्ट है माउंटेन, माउंटेन नेचुरल थिंग्स है। नेचुरल थिंग्स इसलिए है क्योंकि माउंटेन्स अपने आप जब ज्वालामुखी फटता है तो जो कि है पहाड़ अपने आप बन जाते हैं, लावा जहां जम जाता है तो माउंटेन्स अपने आप बनते हैं, इनको किसी ने बनाया नहीं है, कितने ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स है, हिल्स है, तो ये क्या है, नेचुरल थिंग्स है। नेक्स्ट है रिवर, रिवर नेचुरल थिंग है क्योंकि ये हमें नेचर से गिवन है, इसको किसी ने नहीं बनाया। पौंड आप बना सकते हैं लेकिन नदी आप नहीं बना सकते, ये एक नेचुरल थिंग है। पौंड भी देखा, आप देखेंगे कहीं से पानी बह के आ रहा है तो वहां तालाब आपने जैसे गड्ढा बनाया तो उससे आप तालाब बना सकते हैं, लेकिन उसमें जो ये जो पानी है, ये पानी क्या है, वॉटर नेचुरल थिंग है, जो वॉटर है वो नेचुरल थिंग है। नेक्स्ट है प्लांट, प्लांट जो है वो नेचुरल थिंग है। एंड जो पोट है वो मैन मेड थिंग है, प्लांट नेचुरल है और पोट मैन मेड थिंग है। पोर्ट जो है इंसान ने अपने हाथों से बनाया है, नेचुरली में हमें नहीं मिला है, लेकिन प्लांट जो है वो नेचुरल, हमें नेचर से गिवन है, तो प्लांट क्या है, नेचुरल है। ग्लास, ग्लास मैन मेड है, इसको इंसान ने बनाया है मशीन में डालकर। पोर्ट, पोर्ट भी मैन मेड थिंग है क्योंकि इसको आप देखेंगे जो पोर्टर होता है, जिसको हम कुम्हार बोलते हैं, वो क्या करता है, मिट्टी से इसको चाक पे रख के बनाता है। आइए देखते हैं नेचुरल एंड मैनमेड थिंग्स क्या होती है। नेचुरल मटेरियल्स आर सोर्सेज सोर्स्ड डायरेक्टली फ्रॉम नेचर, जो नेचुरल मटेरियल होता है, जो नेचुरल चीजें होती है वो हमें डायरेक्टली कहाँ से मिलती है, नेचर से। नेचर जो प्रकृति है हमें डायरेक्टली हमें देती है, हमें उसे बनाना नहीं पड़ता, हमें उसे कहीं से लाना नहीं पड़ता। तो नेचुरल जो थिंग्स होती है, जैसे वाटर, वाटर जो है वो हमें नेचर से मिला है, सन, प्लांट, माउंटेन, ये सभी हमें कहाँ से मिले हैं, नेचुरली डायरेक्टली गिवन बाय नेचर। लेकिन मैन मेड थिंग्स, दीज आर मेड बाय मैन। मैन मेड थिंग्स क्या होती है, जो मैन के द्वारा बनाई जाती है, मेड यानी कि बनाना, बाय मैन, इंसान ने जिस चीज को बनाया है उसे हम मैन मेड थिंग्स बोलते हैं। जैसे फैन,
फैन हम इंसान ने अपने हाथों से बनाया है, मशीन से कुछ पार्ट्स मशीन से बनाते हैं, लेकिन मशीन में भी काम करने के लिए इंसान को अपने हाथों की जरूरत पड़ती है। उसी से इंसान जो है अपने हाथों के द्वारा ही उसको फैन, अगर मशीन में कुछ पार्ट्स बने हैं तो इंसान उसको जोड़ने का काम करता है। टेबल आप देखेंगे कारपेंटर अपने हाथों से कट करके लकड़ी बनाता है, कार जो है मैनमेड है, एंड पोर्ट, ये सभी थिंग्स क्या है, ये सभी थिंग्स जो है वो मैनमेड थिंग्स है, इंसान ने अपने हाथों से बनाई है, नेचर से हमें नहीं गिवन है। जो नेचर से मिलती है वो नेचुरल, और जो इंसान आदमी अपने हाथ से बनाता है वो मैनमेड थिंग्स। राइट एल फॉर लिविंग एंड एन फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। यहाँ पर जो आपको दिए हैं नेम्स उनमें आपको लिविंग थिंग्स के लिए एल और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए एन लिखना है। ट्री, ट्री इज अ लिविंग थिंग्स। टेबल, टेबल नॉन लिविंग थिंग्स है। फिश, फिश लिविंग थिंग्स है। काइट, काइट नॉन लिविंग थिंग है। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई इज अ लिविंग थिंग्स। बुक नॉन लिविंग थिंग्स। कार, कार जो है नॉन लिविंग थिंग्स है। गर्ल, लड़की, ये एक लिविंग थिंग्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एन फॉर नेचुरल एंड एम फॉर मैनमेड थिंग्स। यहां पर नेचुरल चीजों के लिए एन और मैनमेड के लिए जो इंसान ने बनाई उसके लिए एम राइट डाउन करना है। सन, सन इज अ नेचुरल थिंग। फैन, फैन मैनमेड है। वाटर, वाटर जो है वो नेचुरल है। प्लांट, प्लांट भी नेचुरल है। कार, कार मैनमेड है। नेक्स्ट काइट, काइट जो है मैनमेड थिंग्स है। बोट, बोट मैनमेड थिंग्स है। फ्लावर, फ्लावर हमारा जो है वो नेचुरल थिंग है। फ्रूट, फ्रूट भी नेचुरल थिंग है। साइकिल, साइकिल मैनमेड थिंग्स है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।